हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज पहला नवरात्र है और हमने मंदिर वगैरह लगा दिया है। अभी हम जा रहे हैं मंदिर जो कि है कहाँ पे बाबू, चंडी देवी मंदिर जाते हुए जो रास्ता पड़ता है वहाँ पे सामने काली माता जी का मंदिर है, तो वहाँ पे अभी हमें जाना है। और आज मैंने पूजा वगैरह सब कर ली है क्योंकि पहला नवरात्र है, कलश वगैरह चढ़ा दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे कैसे ये सब काम किया, देख लो। अभी हमने अपना वैसे मंदिर नहीं लिया लेकिन फिर भी हमने ऐसा बना रखा है, देख सकते हैं आप लोग। और ये सब कलश वगैरह मैंने चढ़ाया, आप बताना आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। अभी काजल तैयार हो रही है, हो गए तैयार, तो बस ये तैयार हो जाए और उसके बाद हम निकलते हैं सीधे मंदिर के लिए। तो अभी हम मंदिर में खड़े हैं और यहाँ पे ये मंदिर है और आज मतलब जल्दी बाहर भेज दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। इस तरह का नज़ारा है भाई, ये मंदिर है यहाँ पीछे का। तो अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे घर को, मंदिर के दर्शन कर लिए, प्रसाद वगैरह भी ले लिए, तो मिलते हैं सीधे घर पे, बाय। अभी हम निकल रहे घर को, ये देख सकते हैं आप मंदिर। पिछली बार आपने नहीं देखा होगा ढंग से लेकिन आप ये नाम भी पढ़ सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सीधे घर और बाबू यहाँ पे खड़ी हो रखी है, चलें। हाँ जी, यहाँ पे हमें गाय माता मिल गई, यहाँ से हमने प्रसाद लिया था, ठीक है। और आगे हमारी बाइक खड़ी कर रखी है हमने, तो चलते हैं बाइक के पास। ये रही हमारी बाइक, ये सारे के सारे लोग इधर जो जा रहे हैं वो तो जा रहे हैं काली जी के मंदिर, और ऊपर जाने वाले लोग जा रहे हैं चंडी देवी। ये चंडी देवी का गेट है। तो दोस्तों, अभी हमने कर ली है काली माता जी के दर्शन और अभी हम जा रहे हैं चंडी घाट। दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं चंडी घाट में, आप देख सकते हैं। अब जा रहे हैं हम अंदर। अच्छा, वो सीढ़ी की बात कर रही थी तुम, कौन सी सीढ़ी है? यहाँ तो मैं पहली बार आ रहा, सच में मैं पहली बार आ रहा चंडी घाट में आज। इतने मतलब इतना टाइम हो गया मुझे रहते यहाँ लेकिन यहाँ मैं पहली बार आ रहा। ठीक है, कौन सी सीढ़ी है यार, कैसी सीढ़ी है समझ नहीं आ रही है। वो सामने जो पुल दिख रहा है ना, वो है मेन पुल जाने वाला, हम जब जाएंगे वहीं से होके जाएंगे। ये मुझे सीढ़ी दिखाना चाहती है, बोला बड़ी बड़ी सीढ़ी है, कौन सी सीढ़ी है, कहाँ है? अच्छा, क्योंकि हम मैंने न्यूज़ देखी थी ना यहाँ पे, मैंने कहा कोई ना कोई तो डूबा है वहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे चंडी घाट में अभी कुछ दिन पहले एक गोताखोर था, उसकी न्यूज़ आपने देखी होगी शायद, नहीं देखी तो। वो यहाँ पे डूब गया था, तो आंटी वही बता रही थी, वो इन्हीं का कोई अपना ही था,
चलते हैं आगे को। लोग यहाँ नहा रहे हैं, सीढ़ियों की बात कर रही थी बाबू। ये छोटी सीढ़ी, ये बड़ी सीढ़ियाँ। तो ये यहाँ का एक छोटा सा पार्क है, यहाँ पे लोग बैठते वगैरह हैं। यहाँ पर ये कौन कौन है, ये किसकी वो है, ये प्रतिमा? रविदास जी पता नहीं यार, शायद बताना मुझे कमेंट में। तो अभी हम चंडीगढ़ घाट भी घूम लिए और अभी जा रहे हैं हम घर को। और चले घर को? हाँ चलो घर को। यार काजल तो बहुत खुश हो रखी है। अच्छा तुम खुश नहीं हो? बहुत। तो अभी हम घर जा रहे हैं, घर जाके मिलते हैं, ठीक है? बाय। चले तो अभी हम निकलते हैं घर को। अभी हम पहुंच गए घर। चल बाबू। अरे मेरी काजल, ये हवा महल। क्या हुआ? तो अभी काजल बना रही है पराठे, आलू के पराठे है बाबू। हाँ। आलू के पराठे खिलाएगी आज मुझे। यहाँ पे क्या हुआ? ये पता नहीं क्या हो गया, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता। तो भाई अभी हम पराठे बनाएंगे और खाएंगे। आज मैंने छुट्टी मार ली और एक्चुअली आज नवरात्र का पहला दिन था, तो आज हम मंदिर भी गए थे और हमने सामने मंदिर भी सेट किया। आज पूरा कलश कुलश रखा है, मैंने बताई दिया आपको पहले वीडियो में, है ना? तो अभी काजल बनाएगी पराठे और पराठे खाएंगे। तो बना लिए काजल ने पराठे, आलू के पराठे हैं, साथ में ये मिर्ची का अचार है और चाय है। अब इनको निपटाते हैं और उसके बाद थोड़ी देर में मिलते हैं आपको, ठीक है? काजल ने एक रील शूट करी मेरे साथ। कौन सी रील है बाबू? ये वाली रील है। ये आप जाके काजल के इंस्टाग्राम पे देख लेना। काजल का इंस्टाग्राम हैंडल है @kajalsajwan95। मैंने कर दी अभी यहाँ पे पूजा और इधर चाय बना रही हूँ। क्या हो गया, क्या ढूंढ रहे इसमें? बाबू ने चाय बना के कर दी रेडी, दे दे। थैंक यू। चाय पियेंगे, टाइम हो गया है 6:30 होने वाले हैं। बाबू ने एक परांठा बचा रखे मैं, क्या बात है, डब्बे के अंदर रखा हुआ था क्या? ये भी हमारा हंगरी वर्ल्ड का डब्बा है। सो गाइस अभी बज गए हैं रात के 10:30 हो गए हैं और हमने सोचा था हम रामलीला देखने जाएंगे, बट नहीं गए, कुछ दिनों बाद जाएंगे, 1-2 दिन बाद। और अभी काजल भी सो गई है, काजल भी सो गई और मुझे भी कल ड्यूटी जाना है सुबह
9 बजे 10:30 बजे से मेरी ड्यूटी है। जाना भी मतलब काफ़ी दूर है, रूट की जाना है तो 1 घंटा लग जाता है हरिद्वार से रूट जाने में। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।